गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे अंतर नियमों की विषय वस्तु संबंधी जो प्रावधान है उनके बारे में। कंपनी अधिनियम में कंपनी के जो अंतर नियम है उनकी विषय वस्तु संबंधी जो सामान्य जो प्रावधान है वो बताए गए हैं, वो इस प्रकार है। पहला, कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु विनियम, यानी प्रत्येक कंपनी के अंतर्नियमों में वे सभी विनियम सम्मिलित किए जाने चाहिए जो कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंधन के लिए आवश्यक है। दूसरा, अन्य विषय, कंपनी के अंतर्नियमों में वे सभी विषय भी सम्मिलित किए जाने चाहिए जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाएगी जो किसी कंपनी को अपने अंतर्नियमों में कोई नियम जोड़ने से रोकता हो। ये धारा 5(1) और 2 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है, अंतर्नियमों में परिवर्तन हेतु अधिक कड़े या प्रभावी प्रावधान। कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा पहली बार ये प्रावधान किया गया है कि कंपनियां अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन के लिए कंपनी अधिनियम में दिए गए प्रावधानों से अधिक कड़े एवं प्रभावी प्रावधान कर सकती है। उदाहरण के लिए, कंपनी अधिनियम में ये व्यवस्था है कि अंतर्नियम के किसी नियम में विशेष संकल्प द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु कोई कंपनी अपने अंतर्नियमों के विनियमों में ये व्यवस्था कर सकती है कि उस विनियम में परिवर्तन सर्वसम्मति से संकल्प पारित करके ही किया जा सकेगा। इसे ही अधिक कड़े या प्रभावी प्रावधान कहते हैं। अब ये जो प्रावधान है ये करने का समय कौन सा है? यदि कोई कंपनी अपने अंतर्नियमों के किन्हीं नियमों में परिवर्तन संबंधी अधिक कड़े एवं प्रभावी प्रावधान करती है तो वह कंपनी उन नियमों में उन्हीं प्रावधानों के अनुरूप ही परिवर्तन कर सकेगी। जैसे अंतर्नियमों में परिवर्तन हेतु अधिक कड़े प्रावधान कंपनी के समामेलन या निर्माण के समय या समामेलन के बाद अंतर्नियमों में परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है। किसी भी निजी कंपनी के समामेलन के बाद अंतर्नियमों में उनके परिवर्तन संबंधी अधिक कड़े प्रावधान करने के लिए उस निजी कंपनी के सभी सदस्यों की सहमति होना अनिवार्य है। सार्वजनिक कंपनी अपने समामेलन के बाद कभी भी विशेष संकल्प पारित कर अपने अंतर्नियमों के किन्हीं प्रावधानों में परिवर्तन हेतु अधिक कड़े नियमों को अंतर्नियमों में जोड़ सकती है। इसकी जो सूचना है वो रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। यदि कंपनी के समामेलन के समय कंपनी के अंतर्नियमों में उनके परिवर्तन संबंधी कोई कड़े प्रावधान किए गए हैं अथवा बाद में अंतर्नियमों में संशोधन कर ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं तो कंपनी को निर्धारित रीति एवं फार्म में उन प्रावधानों की सूचना रजिस्ट्रार को देनी होगी। इसका प्रावधान धारा 5(3) से 5(5) के बीच में किया गया है। नेक्स्ट है, मॉडल अंतर्नियमों का प्रारूप एवं उसका अंगीकरण। प्रत्येक कंपनी के अंतर्नियम तालिका F से J तक में दिए गए मॉडल अंतर्नियमों के प्रारूपों में से उस प्रारूप में होगा जो उस कंपनी पर लागू होगा। कोई कंपनी अपने से संबंधी मॉडल अंतर्नियमों में दिए गए विनियमों में सभी अथवा कुछ विनियमों को अपना सकती है। नेक्स्ट है, पंजीकृत अंतर्नियम मॉडल अंतर्नियमों में से
कुछ भी नहीं हटाते हैं तो संपूर्ण मॉडल जो है वो अंतर्नियम लागू होगा। कभी कभी कंपनी के पंजीकृत अंतर्नियम इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत कंपनी की दशा में उस कंपनी पर लागू होने वाले मॉडल अंतर्नियमों में से किसी भी विनियम को नहीं छोड़ते हैं या हटाते हैं। ऐसे में मॉडल अंतर्नियमों के सभी विनियम उस कंपनी के अंतर्नियम ठीक उसी प्रकार होंगे मानो कि वे सभी विनियम कंपनी के अंतर्नियमों में पंजीकृत है। इसका उल्लेख धारा 5-8 में दिया गया है। नेक्स्ट है, पूर्ववर्ती कंपनी विधान में पंजीकृत कंपनी पर लागू नहीं, उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों में से कोई भी प्रावधान उन कंपनियों के अंतर्नियमों पर लागू नहीं होंगे जो पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन पंजीकृत है, जब तक कि उन अंतर्नियमों का इस अधिनियम के अधीन सुधार या परिवर्तन नहीं किया जाता है। धारा 5-9। नेक्स्ट है, बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में प्रावधान। बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के अंतर्नियमों को बनाते समय एक विशेष बात ध्यान में रखनी चाहिए। यह बात यह है कि इसके अंतर्नियमों में यदि कोई ऐसा प्रावधान किया जाता है जिससे किसी सदस्य के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को कंपनी के लाभों में भागीदारी का हक मिलता है तो वह प्रावधान व्यर्थ होगा। धारा 4-7। जो अंशों द्वारा सीमित कंपनी के जो अंतर्नियम है उसकी जो कंटेंट्स या जो विषय वस्तु है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी के अंतर्नियमों में अधिनियम की अनुसूची आई एक की सारणी में ऐप में दिए गए सभी या कुछ विनियम हो सकते हैं। ये कंपनी चाहे तो सारणी ऐप में दिए गए सभी विनियमों को अपने अंतर्नियमों के रूप में अपना सकती है। तब इस कंपनी को अपने पृथक से अंतर्नियम बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है। यदि ऐसी कंपनी अपने अंतर्नियम बनाती है तो उसके अंतर्नियमों में कुछ मामलों में या विषय में विनियम सम्मिलित होंगे, जैसे कंपनी का नाम है और पंजीकृत कार्यालय या राज्य, अंतर्नियमों में प्रयुक्त शब्दों पदों या अभिव्यक्तियों की परिभाषा है और अर्थ, सारणी एफ के अपवर्जन की सीमा, सारणी एफ के विनियमों को पूर्णतः अथवा अंशतः अपवर्जित किया जा सकता है। अंश पूंजी विभिन्न वर्गों के अंशों से संबंधित अधिकार तथा उन अधिकारों में हेरफेर, अंशों पर ग्रहणाधिकार, अंशों पर याचना, धनराशि की मांग, अंशों का हस्तांतरण, अंशों का हरण, लाभों का पूंजीकरण, अंशों का पोषण, पूंजी में परिवर्तन, अंशों का पुनर्ग्रहण, साधारण सभाएं, साधारण सभाओं की कार्रवाई, सभाओं का स्थगन, मताधिकार, परोक्षी, संचालक मंडल की सभाओं की कार्यवाही, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी की सार्व मुद्रा, लाभांश एवं संचय कोष, लेखांकन, अंकेक्षण, कंपनी का समापन, अधिकारियों की क्षतिपूर्ति, अभिदाताओं के हस्ताक्षर और हस्ताक्षर की तिथि एवं स्थान, इन सभी चीज़ों का समावेश जो है इस विषय वस्तु में दिया हुआ होता है। तो इस तरीके से अंतर्नियमों की जो विषय वस्तु है वो ये होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।